हेलो गाइस, सुबह हो गई है, 9 बज गया है। मैं सो के उठ गया हूँ, चुटकी भी सो के उठी है और नहा धोवा के रेडी हो गई है। कुछ खा भी रही? क्या खा रहा है बेटा? अच्छा, ओहो गुड। चुटकी को दवाई खाना है इसलिए कुछ खा रही है वो। ये चुटकी का भाई साहब है, उनका नाम है हर्ष, और ये ऑनलाइन अपना क्लास कर रहे हैं। इधर भी बुतरू बानर सब पढ़ाई कर रहे हैं। हैप्पी सिंह को तो पहचानते ही हैं, और ये है हैप्पी की दीदी। तो जागा हुआ है चुटकी? नहा धोवा दिया सब हमको। अच्छी अच्छी रात गेम खेल रहा है। अरे भाई देख के ब्लॉगिंग करो। हाँ, चीनू ब्लॉगर बन गया भाई। कमान चीनू यूट्यूबर, चीनू बन जाएगा, चीनू यूट्यूबर बन गया। माय ब्रेकफास्ट क्यों नहीं खेलता है ये? तो ये बच्चे लोग खेल रहे हैं जो राजा खेलते हैं ना, राजा मंत्री चोर सिपाही। जो राजा होता है वही उड़ाता है। वेरी गुड। अच्छा मान लिया ये तो चार, राजा मंत्री चोर सिपाही चार ही है। मान लिया पांचवा खेलना रहे तो पांचवा क्या बनेगा? छठा रहेगा तो बैल। बैल बैल पगला पगला नहीं, पगला ठीक है। तो मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, घर होते हुए ऑफिस चला जाऊंगा, और हैप्पी चुटकी और आरती रुकेंगे अभी। कहाँ रुकेंगे भाई? नानी घर में, आरती का नानी घर में ही रह जाएंगे, और दो तीन दिनों बाद ये लोग भी आ जाएंगे। बाय बाय चुटकी। बाय चुटकी, तुम चलोगी बेटा? चलो ना मेरे साथ प्लीज। नहीं प्लीज। नहीं नहीं, क्यों? सब हमको छोड़ दिया, कोई नहीं छोड़ा। यस आई एम डिजर्टेड इन द मिडिल ऑफ द रोड। देखिए जो बच्ची लोग होती है वो जेंटल होती है, और देखिए दोनों ये जो बच्चा लोग को बांगड़ है दोनों। तो बाई नेचर ही जो गर्ल्स लोग होती है वो जेंटल होती है, सीधी सादी। लेकिन लेकिन बच्चा सब जो होता है लड़का सब एकदम बदमाश, उठा पटक मार धार। तो अभी मैं आ गया हूँ गुड्डू जी के यहाँ कार लेने के लिए, क्योंकि रात में गाड़ी यहीं लगाई गई थी, अभी वहाँ पे पार्किंग सही नहीं है। अरे, अरे आज छुट्टी में है क्या? हाँ, कैसे हैं भाभी? ठीक है, आइए ना। नहीं निकलते हैं। और बताइए, और सब? और सब बढ़िया, सब बढ़िया। और बच्चा लोग वहीं है? हाँ, आपका देखिए ब्लॉग में थोड़ा डाल सकते हैं ना? हाँ ठीक है। हाँ बच्चे लोग यहीं पे है। नमस्ते आंटी, ये बहुत बढ़िया। अच्छा सोई है? कैसी हैं? ठीक हैं, ठीक है निकलते हैं।
मौसम तो बड़ा शानदार हो रहा है, बहुत गर्मी थी एक्चुअली, बारिश हो जाएगी तो मज़ा ही आ जाएगा। बादल लग रहा है तो उम्मीद है आज बारिश होगी। शान से लहराता हुआ हमारा प्यारा तिरंगा। मैं घर पहुंच गया हूँ, बस आधे घंटे में ऑफिस के लिए निकलूंगा। आई एम लिविंग फॉर ऑफिस नाउ। गाइज मैं पहुंच गया हूँ ऑफिस, यहाँ से 7:30 बजे निकलूंगा और घर जाऊंगा। शायद आज मैं सोने के यहाँ भी जा सकता हूँ शाम में, जैसा रहेगा बताएंगे आपको। अभी तो बज गया है 8:30 और मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। ये मेरे फ्रेंड हैं रजनीश जी, आ गए थे ऑफिस में तो हम लोग करीब 1.5 घंटे तक खूब गप किए हैं और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। बहुत दिन के बाद इनसे, हमको लगता है 3 महीना हो गया होगा, नहीं 3 महीना, तो आज थोड़ा लेट हो गया, अब घर के लिए निकल रहे हैं। हवा थोड़ी कम हो गई थी टायर में, तो मैं हमेशा अपने साथ गाड़ी में एक फुट पंप रखता हूँ। यह इमरजेंसी के सिचुएशन में बड़ा ही हेल्पफुल होता है, आपको भी रखना चाहिए। देखिए आगे थोड़ा जाम लगा हुआ है, तो घर पे आज सिर्फ हम हैं और मैं हूँ और पापा हैं, मम्मी भी नहीं है, सोनी के यहाँ गई हैं और हैप्पी चुटकी आरती सब नानी घर गए हुए हैं हैप्पी के, वो कल या परसों आ जाएंगे वो लोग। बाद से हम दोनों, मम्मी ने खाना बना दिया है, खाने में पराठा, ये पनीर की सब्जी, दही और सैलेड। घर एकदम पूरा शांत लग रहा है, घर में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई आदमी है, एकदम सन्नाटा है। हैप्पी चुटकी रहते हैं तो दोनों लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो घर में एकदम क्या उसको बोले, एकदम लगता है कि घर में खूब सारी मस्ती हो रही है। सब बच्चे लड़ते झगड़ते रहते हैं, आपस में हम लोग बातचीत करते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बट आज तो एकदम सन्नाटा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो गाइस डिनर वगैरह हो गया है और बस अभी मैं लेटा हूँ डिनर करके, बट यार एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चे नहीं हैं, मम्मी भी नहीं है, आरती भी नहीं है, सो अजीब सा लग रहा है। चलो हैप्पी तो साथ में था, हम लोग का अच्छा टाइम पास होता था। हैप्पी थोड़ा बड़ा हो गया है तो बहुत सारी चीज़ें मैं उसके साथ शेयर करता हूँ और वो भी मतलब अब लगता है कि चलो कोई तो है जो मैं जिससे बात कर सकता हूँ। कई चीज़ों पे मैं उससे बात करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि धीरे धीरे वो हर चीज़ को समझे। सो कभी हम लोग पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं तो कभी सिनेमा के ऊपर, कभी इंटरनेट के ऊपर, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, कभी फाइनेंस भी मैं उसको कोशिश करता हूँ कुछ समझे वो। सो बहुत सारी चीज़ें मैं उसको बताता रहता हूँ और वो भी अपने थॉट्स को शेयर करता है। आज मैं अकेला हूँ तो देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। अभी मुझे एक एजुकेशनल वीडियो शूट करना है, वो मैं शूट करूँगा। तो चलिए फिर, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वस्थ रहिए और अपने दोस्तों का, अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए और मस्त रहिए। चलिए फिर, टेक केयर, बाय बाय।